गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ टेक जोकर और तुम सब हो मेरी चमकाड़ सेना। हाँ, अगर तुम नए हो इस चैनल में और तो तुम्हें बता दूँ कि तुम चैनल को सब्सक्राइब करते मेरी चमकाड़ सेना में आ गए हो, ठीक है। इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एक AI का मॉडल कैसे बनाएं बिना किसी कोडिंग के, ठीक है। पहले ये कि भाई AI के लिए तो बहुत कोडिंग सीखने पड़ते, बीटेक हाँ वो चाहिए होते बड़े मॉडल्स के लिए। तुम्हें अगर छोटे छोटे मॉडल्स बनाने मतलब सीखना है तो स्टार्ट करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। एंड अब तुम कहोगे कि हम कैसे बनाएं, तो ये जैसे तुम नॉर्मल UI यूज़ करते हो फोटो एडिटिंग वगैरह में वैसे ही है और बहुत सिंपल है। छोटा दूसरी क्लास का बच्चा बना लेगा इसे, ठीक है। तो हम इसको यूज़ करेंगे टीचेबल मशीन से। टीचेबल मशीन है कि एक गूगल ने बनाया है प्लेटफॉर्म। टीचेबल मशीन में तुम आके अपना AI मॉडल बना सकते हो, बस तुम्हारे पे डेटा होना चाहिए। अब ये कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्या होता है, कैसा क्या होता है, सब मैं बताऊँगा वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, सब कुछ सीख के जाओगे। तो चलो चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें जाना है गूगल पे और डालना है टीचेबल मशीन। तो टीचेबल मशीन में ये आ जाएगा, इसका लिंक है teachablemachine.withgoogle.com। withgoogle.com ऑफकोर्स लिंक ही बता रहा है कि हाँ गूगल वाले चीज चीख के कह रहे हाँ भाई हमने बनाया है। तो ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो स्टार्ट, सबसे पहले तुम्हें ये बता दूं, मैं ये टीचेबल मशीन यहाँ पे लिखा है न्यू प्रोजेक्ट्स ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम ड्राइव, कि ड्राइव में सेव कर रखा है तुमने, किसी पे काम कर लिया है और अब ड्राइव में सेव करा है तो ड्राइव में जाके यूज़ करो, ठीक है। हाँ मुझे पता है भाई, कुछ लोगों ने कहा है कि मैं तेज बोल रहा हूँ, कोशिश करो टीचर बोलने की, ठीक है। उसके अलावा तुम इसको यूज़ कर सकते हो कि एक फाइल में से प्रोजेक्ट निकालो, मतलब एक प्रोजेक्ट अपनी फाइल में जो एग्जिस्टिंग पड़ी है उसको यूज़ करो। और हम इसे तीन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, इमेज, ऑडियो और पोज। इमेज मतलब कि अभी मैं जैसे इम्प्लीमेंटेशन इसका, वो आग बनी है लगी है या नहीं लगी इसका। ऑडियो में मतलब ऑफ कोर्स अलग अलग ऑडियो पहचानना, रिकॉग्नाइजेशन, बहुत कुछ है। ऑडियो में अलग वीडियो बनाई गई, ये वीडियो हम इमेज प्रोजेक्ट में काम करेंगे। पोज प्रोजेक्ट मतलब वही जिम में कि अगर मैं सही पोज कर रहा हूँ, पुशअप सही मार रहा हूँ, नहीं मार रहा, छाती नीचे मार रहा हूँ, मतलब जो भी समझ जाओ भाई जिम वाले मेरे। तो पोज प्रोजेक्ट वगैरह, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या मिल जाता है हमें। नया प्रोजेक्ट बनाने का ऑप्शन, ड्राइव से निकालने का, फाइल से निकालने का, थोड़ी सी डिटेल्स, वीडियो की कैसे यूज़ करना है और फीडबैक। ओके, सबसे पहले हम क्लिक करते हैं इमेज प्रोजेक्ट पे। हाँ, यहाँ पे मिलता है हमें स्टैंडर्ड इमेज मॉडल और एम्बेडेड इमेज मॉडल। तो जो स्टैंडर्ड इमेज मॉडल होता है वो हमारे जो नॉर्मल लैपटॉप्स होते हैं जैसे हम तुम यूज़ कर रहे हो उनके लिए होता है, ये 5 MB तक का होता है। और क्या बोलते हैं कि ये जो मॉडल होता है इसमें थोड़ी प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है जो हमारे CPU में होती है। GPU तो बढ़िया, जैसे मेरे पे GTX 1650 वो है 50, ऑल्डो सबसे गंदा GPU आया है अभी इस टाइम, बट तब भी काम चल रहा है, ठीक है। तुम सब्सक्राइबर बढ़ाओगे तो भाई अच्छा लैपटॉप ले लेंगे, ठीक है। और एम्बेडेड इमेज मॉडल हम 500 KB का होता है, इसमें छोटा CPU होता है, जैसे तुम्हारा रेसबेरी पाई हो गया, आर्डुइनो हो गया, अलग अलग जो एम्बेडेड चिप्स होते हैं उसमें यूज़ होता है, ठीक है। पर हम इस प्रोजेक्ट में स्टैंडर्ड इमेज मॉडल का, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है क्योंकि ये कलर्ड इमेज लेती है, वो ब्लैक एंड वाइट लेता है बस। ओके, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हमें क्लास ऐड करने का ऑप्शन आ सकता है, बहुत क्लास ऐड कर सकते हैं, क्लास को डिसेबल कर सकते हैं, पर अभी डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक वेबकैम का कि हम अपनी वीडियो को ऐड कर सके, अभी मैं जैसे बन रहा है और मैं ऐसे रिकॉर्ड कर लूँ तो उसमें आएगा कि हाँ भाई इसमें आग नहीं लग रही, मतलब देना पड़ेगा ट्रेनिंग डेटा। और यहाँ पे अपलोड का है, ठीक है। तो अब अपलोड के लिए डेटा निकालते हैं, डेटा हम निकालेंगे कैगल। जिन्हें नहीं पता कैगल क्या है, तो कैगल एक जगह है जहाँ पे हमें बहुत सारा डेटा पड़ा है,
पर अब छोटा छोटा डेटा है, सीखने के लिए डेटा है, तुम उठा सकते हो। तो मैं भी मैंने फायर डिटेक्शन डेटा सेट डाला और यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करी फाइल्स और ये मेरा फोल्डर खुल गया है। ठीक है, तो तुम भी ऐसे साथ साथ मेरे कैगल खोल के कोई भी चीज़ के लिए तुम करो। अब जैसे फायर है तो यहाँ पे लिखोगा फायर, और फायर नहीं है तो फायर नो फायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बस इसे क्लिक करूँगा, सार सबको अपलोड करना है ना, यहाँ पे सबको उठा के यहाँ डाल दूँगा, ये लोड करेगा। अब तुम एक चीज़ देखोगे, देखो ये 110 इमेज है आग की, पर यहाँ पे हाँ यहाँ पे है 540। अब तुम कहोगे कि टैग जोको, मतलब या जब पैलिक रोबोटिक्स पर नहीं, पैलिक रोबोटिक्स में आया टैग जोको में डाला था जो, तो तुम कहोगे कि हम तो आपके स्टूडेंट है और आपने कहा था कि डेटा इम्बैलेंस है, बट यार डेटा इम्बैलेंस नहीं है। यहाँ पे तुम्हें दे रखी है 540 इमेज की आग नहीं लगी और 110 इमेज जहाँ आग लगी है। ये क्यों है? क्योंकि आग लगने के चांस ना कम होते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि मैं बैठो आग, मतलब मेरे में तो बहुत आग है पर वैसे ही कि आग नहीं लग रही है, तो इसलिए ये डेटा ऐसे बनाया कि रेशो में कि हाँ आग कम लगी तो 110 इमेज आग की है, और फायर कि वो प्रेफरेंस देगा कि हाँ आग नहीं लगी को, क्योंकि ज़्यादातर आग नहीं लगती। तो यह बस हम ट्रेन करना है, पर ट्रेन करने से पहले तुम्हें कुछ एडवांस में चीज़ें, मान लो ईपॉक वैल्यू क्या होती है कि हम कितनी बार पूरा डेटा पढ़े। जैसे अभी मान लो कि ये पूरा टोटल मिला के 500 इमेजेस हैं, ज़्यादा है पर मान लो, तो एक ईपॉक का मतलब है कि वो तुम्हारा जो मॉडल है ना उसने सारी की सारी इमेजेस को ट्रेन कर लिया एक बार, 500 इमेज देख ली, 25 लिखा है मतलब 25 बार उसने 500 इमेज देख चुका है। बैच साइज मतलब कितने उसमें कितने कितने ग्रुप में जाए, मतलब जो मॉडल है तुम्हारा ग्रुप्स में जाता है, जैसे 16 इमेज दी फिर 16 इमेज दी, मतलब सारी इमेज एक साथ नहीं देते क्योंकि तुम्हारा पीसी हैंग कर जाएगा, इतना रिसोर्सेज नहीं तुम्हारे पे, तो 16-16 करके दे रहे हैं। बैच साइज से तुम्हें इतना लेना देना है नहीं इस पॉइंट पे। लर्निंग रेट जितना कम है उतनी बारीक चीज़ों को वो देखेगा, और जितना ज़्यादा है उतनी मोटी चीज़ों को देखेगा, जितना कम है उतनी बारीक, जितना ज़्यादा है उतनी मोटी। ठीक है, मतलब जैसे ये मेरा हाथ है तो हम लर्निंग रेट है तो वो देखेगा रेखाओं को, ज़्यादा लर्निंग रेट है तो देखा उंगलियों को, अच्छा ये एक उंगली है, दो उंगली, तीन उंगली। ठीक है, सो और सब सही है, लर्निंग रेट को थोड़ा सा कम कर देते हैं और ट्रेन करते हैं, तो ये तुम्हारे पीसी टू पीसी डिपेंड करेगा ट्रेन होने के लिए। तब तक हम इमेजेस को तैयार करते हैं, मतलब अब देखो लाइटर है नहीं मेरे पे, बीड़ी सिगरेट पीता नहीं हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले फायर, अच्छा हाँ मैं अपना वेबकैम ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि इसको चाहिए होता कैमरा। देखो यहाँ पे कह रहा है कि कैमरा नहीं तुम्हारे पे, कैमरा है मेरे पे, बस कैमरा मेरा इसमें फोकस्ड है तो इसे ऑफ करते हैं। ओके, अब इसको ऑन करते हैं, ऑन। अब देखो वो तुम्हें याद में थोड़ी सी फायर इसलिए थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर, बट 97% है मतलब कि फायर नहीं है, तो ये आराम से उठा कि फायर डिटेक्ट नहीं हुई है। अब आग की तो फोटो ही लानी पड़ेगी, तो ये देखो आग लगती फायर डिटेक्ट कर लिया हमारे भाई ने। अब देखो और आग देख रहे हो कितना स्मूथली हो रहा है, ये मतलब कितना एक्यूरेट, ना डेटा हमारे पे जा रहा है ना कुछ, तब भी इतना प्यारा हो, कोडिंग कुछ कर ही नहीं आते पर तब भी हमारा हो रहा है। ठीक है, तो देख लो पावो, तो आजकल मतलब जैसे जैसे चल रहा है तो यार तुम मॉडल बनाना कितना कुछ है नहीं, मतलब अगर तुमने सीखा है तो वेल एंड गुड कि मतलब बड़े बड़े गर्मी बड़े बड़ी जगह, बट लाइक तुम छोटी मोटी चीज़ें करो कि AI के मॉडल हर जगह चाहिए होगी, तुम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना रहे हो या तुम्हारा मतलब डेडलाइन आ रही है प्रोजेक्ट की और तुम ये मॉडल दे के बना दो यार, तुम कहोगे कोड तो है नहीं हमारे पे चलाने के लिए, ये थोड़ी दिखाएगी। तो अब ये देखो जादू, मतलब जादू क्या यार, गूगल की मेहरबानी
एक्सपोर्ट मॉडल पे करना है तुम्हें, ये जावास्क्रिप्ट है, ये अगर तुम वेब डेवलपर हो तुम पढ़ना इसे कि कैसे इसको कॉपी कर सकते, क्या कर सकते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ मशीन लर्निंग वालों का, तो तुम्हें बस यहाँ पे ओपन सीवी की रस करना है, यहाँ पे की रस, यहाँ डाउनलोड माय मॉडल करना है, यहाँ पे कन्वर्ट होकर डाउनलोड हो जाएगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं लेनी। अरे यार मेरी फोटो चली गई, आ गए, तो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं ये स्क्रिप्ट, बस कॉपी कर लो यहाँ से कॉपी, ठीक है, ये आएगी तुम्हारे बहुत काम, बस यहाँ पे मॉडल को कन्वर्ट करके यहाँ पे डाउनलोड करके वो कर लो एक्सट्रैक्ट। फिर तुम एनाकोंडा खोलो अपना, मैं तुम्हें बता चुका हूँ एनाकोंडा क्या होता है, ये मत बोलना तुम्हें एनाकोंडा नहीं पता, नहीं पता तो जाके वीडियो देखो मेरी, ठीक है। और क्या बोलते हैं एनाकोंडा पर, तब भी आप क्या ही वीडियो देखोगे। एनाकोंडा क्या होता है कि एनाकोंडा होता है तुम्हें एक वो देता है वर्चुअल एनवायरमेंट, कि जैसे मेरे यहाँ पे रुको दिखाता हूँ ना, इतना एनवायरमेंट, अलग अलग एनवायरमेंट, इसमें कुछ लाइब्रेरीज में कुछ, क्योंकि लाइब्रेरीज में कन्फ्लिक्ट रहती है कभी कभी, तुम कुछ प्रोजेक्ट करो तो कुछ वर्जन चाहिए होते हैं, इस वर्जन का ये चाहिए, तो वो चीज़ें रखते हैं। तो तुम बस अपना वी एस कोड खोलो और ओके ये खुल गया, और यहाँ पे वो पेस्ट कर दो जो वहाँ से कॉपी किया था ना, वो पेस्ट करो। हाँ पर याद रखना उसी फोल्डर में जहाँ पे तुम्हारा मॉडल और लेबल्स है, इसके अंदर जाके और बस रन करो। अरे यार फिर से कैमरा बंद करना पड़ेगा, ठीक है, तो जस्ट रन। अरे ठीक है, तो तुम ऐसे यहाँ पे रन कर सकते हो, देखो नो फायर नो फायर नो फायर कितना प्यारा दिखा रहा है, जैसे वहाँ पे किया है यहाँ पे भी टेस्ट करो, अलग अलग चीज़ें देखो और इस लाइक खुद को ट्राई करो। तो ओके, तो जिन्हें जिन्हें पसंद आया है वो सब्सक्राइब करो, और ये सब कुछ खुद अलग अलग मॉडल्स अलग अलग कैगल उठाओ डालो, 5-6 क्लासेस बनाओ, ऑडियो को देखो, ये देखो वो देखो, और अपने कॉलेज में प्रोजेक्ट वगैरह दे दो, चल जाएगा भाई, मैंने भी किया है, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना बहुत है, थैंक यू, बाय, सब खैर, और सब्सक्राइब कर देना, बाय। कलर बदलने वाली है।